हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी के कुछ सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले हम जवाब और सवाल करेंगे, जो भी आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं वो हम आपको रिप्लाई करेंगे। उन कमेंट्स में कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज़रूरत के हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो ये है, ऐसे ही करेगा तो 100 के क्या 100 भी नहीं होने वाला। ये उन लोगों के लिए है जो लोग ये समझते हैं कि मेहनत करने वालों की हार हो जाती है। देखो भाई, आपके सोचने से या आपके समझने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिन लोगों को ज़रूरत होगी वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। आप चाहे कितना भी नेगेटिव कमेंट करो या कुछ भी करो, आपके कहने से वो चीज़ नहीं बदलने वाली है। तो जो दर्शक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो ये चीज़ ज़रूर करें, सपोर्ट करें, इनको दिखा दें कि देखो जो सही होता है उसके लिए सब कोई अवेलेबल होता है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले राजेश सिंह जी, आपने ये कमेंट किया है, ये आपको मुबारक हो, ठीक है। मुझे लगता है पर्सनली कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, ये आरती चौहान जी ने किया है। आरती चौहान जी का कमेंट है, हेलो सर, माई सेल्फ डिम्पल, मैंने देखा है कि आपकी हर वीडियो में आप कमेंट का रिप्लाई देते हैं, सबको जवाब देते हैं, तो मेरा भी डाउट क्लियर करिए। इनका डाउट है कि क्लास 11th में एडमिशन के बाद क्या स्ट्रीम चेंज हो सकती है। देखो जब क्लास 11th में आप फॉर्म डालते हो तो फॉर्म डालते समय आप स्ट्रीम प्रेफरेंस चूज़ करते हो, 1, 2, 3 स्ट्रीम आप चूज़ करते हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रीम मिलेगी। ये कहो कि 11th में एडमिशन हो जाए उसके बाद आप स्ट्रीम चेंज करो तो आपकी स्ट्रीम चेंज नहीं होगी। आपके जैसे नंबर आए होंगे, जैसे आपकी क्लास 10th में परसेंटेज रही होगी, टेस्ट में जितने नंबर आए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम मिलेगी, जो आपने 3 प्रेफरेंस भरे होंगे वो, ठीक है। स्ट्रीम बाद में चेंज नहीं होगी। अगला कमेंट है ओमोम का है, ये इनका जो है कमेंट ऐसा है कि 86% रूरल गर्ल है कासगंज से इनका, ठीक है। आधार कार्ड में 5 की जगह 6 लिखा हुआ है, क्या एडमिशन में समस्या होगी? भाई बिल्कुल समस्या होगी, अगर आपका आधार कार्ड ही नहीं सही होगा तो फिर एडमिशन कैसे हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले आप अपना आधार करेक्शन कराइए, जो डेट ऑफ बर्थ आधार में हो वही डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए फॉर्म में, और वही आधार नंबर होना चाहिए जब आपने वो भरा था, ठीक है। आधार आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद मोहम्मद फैजान जी का कमेंट है, थैंक यू सर जानकारी देने के लिए, मेरी बेटी का जेएनवी में सिलेक्शन हुआ है, इनके पिता के नाम में मिस्टेक थी, हमने हलफनामा दे दिया है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया किया आपने, हलफनामा दे दिया, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इनके यूडाइस में समस्या है कि भैया इनका जो एडमिशन वाला स्कूल है जहाँ पे क्लास 5th पढ़ रहे थे वहाँ पर यूडाइस पोर्टल अवेलेबल नहीं है, तो क्या एडमिशन हो जाएगा, ये समस्या इनके सामने आ रही है। देखो भाई समस्या ये है कि नॉर्मली बिना यूडाइस कोड के जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है एडमिशन नहीं होता है, लेकिन आप अगर अपनी समस्या बताएंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को बताएंगे कि भाई वो स्कूल अभी यूडाइस पोर्टल पे चढ़ा ही नहीं है, तब आपका एडमिशन बिना यूडाइस पोर्टल के भी हो जाएगा, ऐसा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे नवोदयों में बिना पेन नंबर के एडमिशन भी हुए हैं, लेकिन जहाँ पेन नंबर अवेलेबल है वहाँ पर बिना पेन नंबर के एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप ये पता कर लें, अपने जवाहर नवोदय विद्यालय में जाके उनसे बात करें प्रिंसिपल से कि सर हमारे स्कूल में अभी यूडाइस पोर्टल अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि वो अभी यूडाइस पे चढ़ा ही नहीं है, तो परमानेंट एजुकेशन नंबर कहाँ से आएगा। जब आप अपनी समस्या बताएंगे तो उस समस्या का समाधान जवाहर नवोदय विद्यालय प्रिंसिपल खुद ही करेंगे। तो ये कमेंट थे और कमेंट के जवाब आपको मिलते रहेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके कमेंट पर आधारित वीडियोस भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होंगे, तो जब एक वीडियो आ जाता है तो साथ में बहुत सारे लोगों की समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। अपनी समस्याओं को ऐसे ही रखते रहिए और आपकी समस्याओं का सोल्यूशन मैं वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा, ठीक है। मैं हूँ आपका अपना राहुल चौधरी, डेली डोज बॉक्स से, जवाहर नवोदय विद्यालय रोहिला फर्रुखाबाद का पूर्व छात्र। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।